शेर और चूहे की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था, उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। वहीं फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आजाद कर दें, और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी जरूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था, और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में आजाद भी हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दी। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से मुझे यह सबक मिलता है कि कभी भी अपने आप को किसी से छोटा और सामने वाले से कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को किसी से जरूरत पड़ सकती है।